चलो स्टार्ट ही हो गए। चलिए, दिस इज लेक्चर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड थर्ड लेक्चर है कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, आज जो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह की कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एक होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। यस, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बताइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम कैपेसिटर की बात करें, सी इज इक्वल टू, दूसरी चीज हम क्या लिखते हैं, क्यू बाय में डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड चार्ज ऑन द प्लेट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी, एनर्जी ऑफ मैम एफ नॉट क्या होता है? क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी बेटा स्पेस की, जिसका वैल्यू 8.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12। हां जी, इसका वैल्यू दिया जाएगा क्वेश्चन में, ये तो आपको याद होता है, आप फर्स्ट क्लास से यही तो यूज कर रहे हो, 8.8 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का आपको याद होना चाहिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बेटा अपना माइक ऑफ रखे। एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना था, क्यू स्क्वायर बाय में 2c। चार्ज ऑन दी प्लेट क्या होता है, एक एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू, हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव वाला रिपोर्ट करते हैं, तो क्यू स्क्वायर बाय में 2c। इसके बाद हम लोगों ने किया था फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लेट पे एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो कितना फोर्स इस एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट की वजह से लग रहा है ड्यू टू अदर प्लेट, ये आपने निकाला था कल, ड्राइव किया था। इसका रिलेशनशिप क्या आया था, क्यू स्क्वायर बाय में 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आया था फोर्स का वैल्यू एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे, चाहे आप इसकी वजह से इस पे देखो या इसकी वजह से इस पे देखो, एक ही बात है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्या टॉपिक था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। yes, ये आपके पास मान लो एक प्लस क्यू क्यू ए है, एक आपके पास क्यू बी है, मुझे नहीं पता चलो प्लस है या माइनस है, फॉर एग्जाम्पल कि प्लस क्यू ए है प्लस क्यू बी है, तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज होता है, क्यू ए माइनस में क्यू बी बाय में टू। यहाँ पर भी कितना होगा, इनर सरफेस पे क्यू ए माइनस में क्यू बी बाय में टू, लेकिन नेगेटिव होगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। आउटर सरफेस पे क्यू ए प्लस में क्यू बी बाय में टू, और अगर आउटर सरफेस पे यहां बात करूं तो सेम क्यू ए प्लस में क्यू बी बाय में टू। ठीक है, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर अलग चार्जेस दे दें आपको, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू ना देके कुछ और चार्ज दे दिया, तो आपको अंदर वाले सर्फेसिस पे निकालना है कितना होगा, और बाहर वाले सर्फेस पे कितना हो जाता है, दोनों का सम बाय टू, अंदर क्या होता है सब्ट्रैक्ट बाय में टू, और यहाँ एक पे निकाल लो इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो जब आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लगाएंगे ना, क्यू बाय में डेल्टा वी, तो जो चार्ज रखेंगे वो इनर सर्फेस वाला रखते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 3600 वोल्ट, अच्छा वो कैपेसिटर स्फेरिकल वाला, ठीक है बेटा आंसर, ठीक है बिल्कुल, इसको बताओ क्या आंसर आया था। अ चार्ज ऑफ प्लस 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड अ चार्ज ऑफ माइनस 1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 1.2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या बोल रहा है, Q by में डेल्टा V is equal to C। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल यानी डेल्टा V आपको निकालना है, डेल्टा V क्या हो जाएगा, Q by में C। तो अब चार्ज कैसे निकालूं, कैपेसिटेंस तो मुझे पता है, एक पे आपके पास चार्ज है प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8,
एक पे चार्ज है कितना माइनस 1.0 इंटू 10 to the power -8। तो आपको कौन सा लेना होता है जो इनर सर्फेसिस पे इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। तो इनर पे कैसे निकालते हैं हम लोग, प्लस 2 × 10⁻⁸ माइनस ऑफ माइनस 1.0 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2। ठीक है, बिल्कुल सही, 10⁻⁸ बाहर कॉमन ले लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 + 1 बाय में 2 भी है, ये आपका हो जाएगा 3/2 × 10⁻⁸। ठीक है, माइक्रो कूलम में आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये नहीं कूलम, ये 1.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब आपके पास क्यू भी आ गया, सी भी आपको पता है, क्यू कितना है 3/2 ही रख लेती हूं मैं, इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय में सी कितना है 1.2 × 10⁻³। और माइक्रो की वजह से इसको हम -6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। किसी ने निकाला तो आंसर बता दो कितना है, कैपेसिटेंस गलत लिखा है क्या मैंने, 2C। नहीं, ठीक है ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, अगर आपने कर लिया सॉल्व तो मैच कर लीजिए, 12.5 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं आज वाले टॉपिक पे, हमारा आज का टॉपिक क्या कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं एक सर्किट है हमारे पास, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट। आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? यस मैम। ओके, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, ये इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है, इसका C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ये आप V बोलो, ये 0 बोलो, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, V। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे करेंगे, यहां से सबसे पहले इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, हमको क्या करना है, एक रिलेशनशिप निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इन C1 C2 C3 के अंदर। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहती हूं मैं, तो एक ऐसा कैपेसिटर मुझे लगाना है जिसका कैपेसिटेंस लेट्स से C इक्विवेलेंट बनता है, सेम सोर्स के साथ मैं लगाऊंगी, जो यहाँ पर ऊपर सोर्स है ना, यही सेम सोर्स, सोर्स आपका दोनों में सेम है, यानी कि दोनों में क्या है, पोटेंशियल VV। ठीक है, तो इस तरह का कैपेसिटेंस, इतना वैल्यू का कैपेसिटर आपको निकालना है, लगाना है कि आपके पास जो इफेक्ट इस सर्किट के अंदर आए वही इफेक्ट इस सर्किट के अंदर आए जो ऊपर है। इफेक्ट इन द सेंस व्हाट, अब जैसे ही बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो यहाँ कुछ पॉजिटिव यहाँ कुछ नेगेटिव बनता है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले जिनका चार्ज कितना है माइनस क्यू, जो चार्ज है वो निकला यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू बन जाएगा इस प्लेट पे, यहाँ से माइनस क्यू निकल गया, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, दोनों पर चार्ज आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, या आप बोल सकते हो कि जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, सेम टू सेम इस सर्किट में इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा सर्किट आपको चूज करना है, ऐसा सी इक्विवेलेंट आपको चूज करना है कि दोनों में जो आपका इफेक्ट है वो सेम है। तो यहाँ पर भी हम सोच लेते हैं कि एक क्यू चार्ज आ रहा है, इफेक्ट सेम है, चार्ज सेम फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, माइनस क्यू चार्ज आया, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में समझ रही हूँ मैं, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, लेट्स से कुछ आपका सर्टेन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला जिसका चार्ज माइनस क्यू है, वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया, ये माइनस क्यू, अब यहाँ से निकला तो इस प्लेट पे कितना आ गया, प्लस क्यू, अब ड्यू टू इंडक्शन इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू है तो इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू तो इस पे प्लस क्यू, तो सभी प्लेट्स पे चार्जेस आ गए, आप देख पा रहे हो सब पे सेम चार्जेस आ गए, सेम इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपके पास चार्ज जो है सेम है इन ऑल कैपेसिटर्स।
इन ऑल कैपेसिटर्स, बट क्या चीज सेम नहीं है, अब वो ढूंढना है हमको, ठीक है, क्या चीज सेम नहीं है वो देखते हैं। अब देखो आप यहाँ पर वोल्टेज है वी या जीरो, तो यहाँ पर आपके पास वी और जीरो, यानी इस कैपेसिटर के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो कितना है, वी ही है ना, ठीक है। यहां मैं देखती हूँ, यहां पर आपके पास क्या है, ये हो गया वी, ये हो गया जीरो, लेकिन अब ये आगे सर्किट जो है कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर अब कुछ और आएगा, मान लो यहाँ पर कुछ भी एक्स आया, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स आ गया, ठीक है, अब ये आगे कनेक्टेड नहीं है, या मान लो कुछ और वाई आ गया, क्योंकि चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल तो आएगा, यहाँ वाई आ गया, यहाँ भी वाई आ गया, ये पोटेंशियल की बात कर रही हूँ मैं, तो पोटेंशियल सेम नहीं है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल है, जो वी होना चाहिए था, वो वी अब अलग अलग कैपेसिटर पे ड्रॉप कर रहा है। हम सोचते हैं कि जो हमारा वायर है उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, उसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, आराम से जितना बैटरी का था उतना ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और वही वी तो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। अब आपको एक फॉर्मूला भी पता है क्या, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, ठीक है, वी कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी। अब मैं बार बार डेल्टा वी नहीं लगा रही, समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है वी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ, हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सब बच्चों को, हो रहा है बेटा, दोबारा ज्वाइन कीजिए। यस मैम, जो अभी आपने कहा ना अभी भी वो नहीं हुआ है, अभी आपने अभी जो अभी मैं लिख रही हूँ कुछ शो हो रहा आपको, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकी को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका नेट में प्रॉब्लम है, बता किस किस को नहीं दिखा रहा, दिखाई दे रहा, हैंड रेज करो, सचिन को नहीं दिख रहा बस, नो मैम दिख रहा है, दिख रहा है, एबल टू सी, ठीक है। हाँ तो कहाँ थे हम, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब अलग अलग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, इस पे चार्ज आपको पता है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1, that will be equal to Q by में C1, इसका कितना हो जाएगा V2, Q by में C2, और V3 कितना हो जाएगा, Q by में C3। अब मैं इसको लिख लेती हूँ, V is equal to है V1 plus V2 plus V3, सबकी वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q by में C1 plus में Q by में C2 plus में Q by में C3, जो ड्रॉप हुए हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। अब इस V की क्या करूं मैं, इस V का मैं यहां से इस इक्विवेलेंट सर्किट को यूज करके क्या लिख सकती हूँ, कि जो इसके ऊपर पोटेंशियल है वो तो V ही आया ना, एक ही प्लेट थी, इधर V था इधर जीरो, तो उसके अक्रॉस तो V ही आया, ठीक है, और चार्ज आपको पता है कितना है क्यू, और इसका कैपेसिटेंस जो हमने माना वो क्या है, सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ मैं ऐसे नहीं लिख सकती, क्या चार्ज तो सेम ही फ्लो कर रहा है ना, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, जो इफेक्ट इसमें है वही इफेक्ट इसमें है, तो क्यू बाय में सी इक्विवेलेंट। यहाँ से आपका एक फेमस फॉर्मूला निकल गया, जो एक बेसिक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आप वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री इज इक्वल टू वन बाय सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये रिलेशनशिप है जो आपने एक कैपेसिटर उनका ऐसा निकाला कॉम्बिनेशन करके, कि जिसको अगर मैं सर्किट में उस एक कैपेसिटर को लगा दूं तो सेम इफेक्ट आएगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा, जैसे कि अलग अलग कैपेसिटर लगाने पर फ्लो कर रहा था। क्लियर है सभी बच्चों को, तो क्या क्या चीज सेम है, चार्ज सेम है, करंट सेम है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको उठाओ, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसको, इसके अक्रॉस वी वन, सेकेंड पे वी टू, थर्ड पे वी थ्री, उसका वैल्यू रख दिया क्यू बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू प्लस क्यू बाय सी थ्री। बेटा क्या नहीं समझ में आया आदर्श, मैंने आपको क्या बताया, एक सर्किट लो, तीन कैपेसिटर लगा दो, एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही तो इन तीनों सर्किट के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, इधर भी वी होगा इधर भी जीरो होगा, लेकिन अब सारे के अक्रॉस, अब हर कैपेसिटर के अक्रॉस सेम ड्रॉप नहीं है, ठीक है, अलग अलग ड्रॉप आएगा, क्योंकि अब ये पूरा सर्किट ऐसे कनेक्टेड नहीं है ना, बीच में यहाँ क्या है, स्पेस आ गया, तो अलग अलग ड्रॉप है, यानी कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पूरा V था अब हम उसको क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस V1
प्लस इसके अक्रॉस वी टू प्लस इसके अक्रॉस वी थ्री, दैट विल बी वी नाउ। मान लीजिए आप वी से शुरू हुए, वी से कुछ कम हो जाएगा इस डायरेक्शन में जाते हुए, फिर इससे कुछ कम हो जाएगा, फिर इससे कुछ कम हो गया, पहुंच गया आप जीरो पे। यानी जो ड्रॉप करते 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 आप जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला था वही आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है ये चीज। वो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू वी प्लस वी थ्री। अब वी मैं निकाल सकती थी, कोई भी कैपेसिटर दे दो, मैं उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकती हूँ अगर मुझे उसका चार्ज पता है, अगर मुझे उसका कैपेसिटेंस पता है। तो मैंने वी टू वी थ्री को इंडिविजुअली निकाल लिया। अब एक रिलेशनशिप मुझे निकालना था सी इक्वलेंट का। सी इक्वलेंट क्या है? वो एक ऐसा आपने एक ऐसा कैपेसिटर ले लिया कि अगर सिर्फ उस एक कैपेसिटर को मैं लगाऊं तो उतना ही चार्ज फ्लो करेगा सर्किट में जितना इसमें कर रहा था। क्यों ही फ्लो करेगा, क्यों ही यहाँ फ्लो कर रहा था, सोर्स भी सेम है, बस कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ आप वी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सोर्स सेम था ना, उस सेम सोर्स के लिए यानी वी के लिए मैं यहां से उठा के रख सकती हूँ ना कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो तो वी ही होगा, क्योंकि और बीच में और कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ वी है, यहाँ जीरो है, ये इस कैपेसिटर प्लेट के बीच का ड्रॉप आ गया ना वी। तो यहां से आप निकाल सकते हो वी क्या हो जाएगा, इस पे जो चार्ज है डिवाइडेड बाय में जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो क्यू से क्यू सारा कैंसिल हो गया, एक रिलेशनशिप बन गया, वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री। ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, वर्क डन, वर्क डन होता है ना आपके पास। पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाय में चार्ज। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कुछ काम करना पड़ता है ना, तो वही आपके पास ड्रॉप है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर सीरीज समझ में आ गया तो पैरेलल जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, पैरेलल बनाते हैं लोग, एक हो गया ये, ध्यान से सुनोगे आदर्श और जिसको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है फोकस के साथ। ठीक है, मान लो इसका कैपेसिटर है सी वन, इसका कैपेसिटर है कैपेसिटर बोल रही हूँ, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी वन, इसका सी टू, इसका सी थ्री, और ये आपने लगा दिया एक बैटरी के अक्रॉस। अब एक सर्किट बन गया। ठीक है, अब देखिए सोर्स है ये वी, इसका पोटेंशियल है वी। अब इसके इक्वलेंट में एक कैपेसिटर बना रही हूं, ये बन गया सी इक्वलेंट, जिसका कैपेसिटेंस क्या है सी इक्विवेलेंट, और इसके अक्रॉस सेम बैटरी लगा हुआ है। ये हो गया वी जो सोर्स है आपका। ठीक है, अब देखो एक चीज, इसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट जो सर्किट है या इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऐसे चूज करना है कि जो इस सर्किट में इफेक्ट है वही इस सर्किट में इफेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इतना निकला, यहाँ प्लस क्यू बन गया, इतना यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इधर। ठीक है, तो उतना ही चार्ज यहां पर भी फ्लो करना चाहिए। यानी कि यहां से आपके पास माइनस क्यू आएगा और इधर आपके पास क्या है, ये माइनस क्यू जा रहा है। तो जब ये माइनस क्यू जा रहा है, अब यहां से प्रॉब्लम ये हुआ, यहां से माइनस क्यू गया, ये माइनस क्यू, आप यहां से देखो कि अब एक पाथ नहीं है उसके पास जाने के लिए, उसके पास तीन पाथ है, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वहां क्या डिस्ट्रीब्यूट था, पोटेंशियल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां से कुछ जाएगा माइनस, मान लो ये है, ये वाला है माइनस क्यू वन चला गया, इधर माइनस क्यू टू चला गया, इधर माइनस क्यू थ्री चला गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा इस प्लेट पे, माइनस क्यू वन, माइनस क्यू टू, माइनस क्यू थ्री। तो अगर यहां से माइनस क्यू निकला था और इधर माइनस क्यू वन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, प्लस क्यू वन, यहाँ पर प्लस क्यू टू, यहाँ प्लस क्यू थ्री, यहां से कितना निकला होगा माइनस क्यू वन, यहाँ से माइनस क्यू टू, यहाँ से माइनस क्यू थ्री। तो लेकिन सर्किट में अगर आप बात करें, यहाँ पर टोटल जो चार्ज है वो सेम होना चाहिए, सेम। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अब मुझे देख के आप बता सकते हैं कि इसमें चीज सेम क्या है, जैसे वहां चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बट यहाँ पोटेंशियल सेम है, उल्टा हो जाता है। अब पोटेंशियल सेम है वो भी देख लेते हैं। ये टर्मिनल जो है ये वी है, ये जीरो है,
तो ये v है। अब वायर के अक्रॉस तो कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ तो कुछ भी आपको काम नहीं करना पड़ा, अब यहाँ आके आपके पास v आ जाएगा, ये v आ गया, और इधर से आप जा रहे हो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जो यहाँ आपके पास टर्मिनल है ना, ये v जीरो, वही ड्रॉप आपका हर कैपेसिटर के अलॉन्ग आ रहा है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि अगर मैं Q की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, जो चार्ज इसके ऊपर है Q1 प्लस जो Q2 प्लस जो Q3 है, वही तो आपके पास Q है, ठीक है, जो इस सर्किट में आपका चल रहा है। अब Q1 Q2 Q3 मैं निकाल सकती हूँ यूजिंग माय फॉर्मूला, क्या Q इज इक्वल टू होता है सी वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इनटू में वी। अब डिफरेंस को मैं वी से ही दिखा रही हूँ, ठीक है। अब Q1 मुझे बता सकते हो कितना होगा, यहाँ से इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, और इसका क्रॉस पोटेंशियल कितना है V, प्लस में सेकंड वाले केस में C2 into V, प्लस में थर्ड में C2 into V, इसको क्या लिखू, इसको यूज कर सकती हूँ C equivalent V, यहाँ चार्ज कितना है Q, that will be equal to C equivalent into में, सोर्स तो मेरा सेम था, तो बहुत इजी सा एक फॉर्मूला निकल आया कि C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, क्लियर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोटेंशियल सेम होता है, फॉर्मूला सीरीज में क्या होता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और अगर 6 कैपेसिटर लगा दूं तो प्लस 1 बाय C4, then 1 by C5, then 1 by C6. Parallel में क्या होता है, सबको आपको add करना होता है capacitance जितने भी है, ठीक है। अब इससे related question करेंगे तो आपको और clear हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए आपको equivalent capacitance निकालना है इस circuit का, equivalent capacitance निकालना है, तो आपको एक किस में दिख रहे हैं, series में दिख रहे हैं कि parallel में दिख रहे हैं, series में दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल तो सेम नहीं हो सकता क्योंकि बीच में भी एक एलिमेंट आ गया, अगर सिर्फ एक कैपेसिटर होता और सीधा बैटरी से कनेक्टेड होता तो मैं बोल देती इसके अक्रॉस वी है, तो ये सीरीज में है, और सीरीज में कैसे निकालते हैं, वन बाय सी इक्विवेलेंट, वन बाय सी वन प्लस में वन बाय सी टू, वन बाय सी टू, तो क्या आ जाएगा आपके पास सी इक्विवेलेंट, वन बाय सिक्स। ये फॉर्मूला भी आप दो कैपेसिटर जो है ना तो आप याद रख सकते हो, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिक्स इंटू थ्री बाय में छह प्लस तीन नौ, थ्री वन जा थ्री, थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, टू जा कितना आ गया, टू माइक्रो फेराड, क्योंकि आपके ये माइक्रो फेराड में, तो माइक्रो फेराड में आंसर आ गया, ठीक है। अब आते चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज कितना होगा, अब देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया आपने, सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये एक बैटरी लगी है, अपना माइक ऑफ रखे, जिसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो जो इसमें चार्ज आएगा उतना ही तो इस पूरे सर्किट में चार्ज आएगा, और उतना ही इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, क्योंकि ये सीरीज में है, करेक्ट। तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकती कि इसमें टोटल कितना जा रहा है, यूजिंग सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू में पोटेंशियल, ड्रॉप जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो तो 12 ही है, तो C इक्विवेलेंट आपने दो निकाला इनटू में 12, कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम, ठीक है, ये भी निकल गया। अच्छा ये तो आपने निकाला इस पूरे सर्किट में, और ये चार्ज जो है वही चार्ज इस सर्किट में फ्लो करेगा, मैंने क्या बोला था इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप ऐसा चूज करते हैं कि इसमें जो इफेक्ट है वो इसमें है, यानी इसमें जो चार्ज जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, और सीरीज में चार्ज सेम होता है हर एलिमेंट से, तो इसके अंदर भी सेम होगा, इसके अंदर भी सेम होगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा, अब डिफरेंस देखो V1 V2 तो अलग अलग होगा लेकिन आप निकाल सकते हो क्योंकि आप आपके पास इसके ऊपर चार्ज आ गया है 24 माइक्रो कूलम, इस पे भी 24 माइक्रो कूलम, करेक्ट, और इनका कैपेसिटेंस भी पता है, तो क्या दोनों का अलग अलग मैं पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकती, क्या होता है डेल्टा V, या V अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा Q बाय में सी, तो आपके पास फर्स्ट केस में अगर बात करूं वी वन की बात कर लेते हैं, 24 बाय में सी कितना है 6, ये हो जाएगा 4, डेल्टा वी टू की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है उस पे 24 सी है, उस पे भी कैपेसिटेंस पर अलग है 3, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, टू कैसे हो गए 8 वोल्ट हो गए,
ठीक है। अब अगला सवाल है एनर्जी इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना होगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाय में 2C होता है ना। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आपको पता है 3 × 3 बाय में 2। सी कितना है उसका, 3 वाले पे पूछा है ना, इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइक्रो जूल। आई थिंक यही आना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया हमने। क्यू स्क्वायर बाय में 2C। मैम क्यू की वैल्यू 24 होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल 24 है ना क्यू की वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल 24 आएगी। सभी बच्चों को सीरीज पहचानना ठीक है, और चार्जेस निकालना, पोटेंशियल कैपेसिटर के फॉर्मूले, इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, पैरेलल वाला सॉल्व करके देखते हैं। ये पैरेलल में दिख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है कि 4 वोल्ट है, वो हर कैपेसिटर पे चार चार आ जाएगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ चार्ज अलग अलग आएगा, तो मैं कैसे करूं। सी इक्विवेलेंट बताओ पहले सर्किट का कैसे निकाल लेंगे। 6 + C1 + C2 + C3 = 1 + 2 + 3 = 5 × 6 μF। अगला सवाल है क्यू ऑन ईच कैपेसिटर। देखो चार्ज तो अलग अलग होगा सब पे, होगा कि नहीं, लेकिन मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हर एक के ऊपर चार तो पोटेंशियल है ना, इस पे भी चार है, इस पे भी चार है, और इन सबका कैपेसिटेंस भी आपको गिवन है, तो क्यू इज इक्वल टू होता कितना है सीवी। निकालना क्या है क्यू, ठीक है, तो पहले केस में निकालें क्यू वन कितना हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस कितना है 1 × में उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 μC, क्योंकि आपके पास ये माइक्रो में दे रखे हैं। क्यू टू भी निकल जाएगा 2 × में 4 8 μC। क्यू थ्री भी निकल जाएगा 3 12 μC। अगला सवाल क्या, डेल्टा वी ऑन ईच कैपेसिटर, ये तो सेम होगा, पैरेलल में सेम होता है हर एक के अक्रॉस, कितना हो जाएगा ये 3 μF ऑन ईच, सॉरी 4 वोल्ट ऑन ईच। दिस इज 4 वोल्ट ऑन ईच। एनर्जी स्टोर्ड ऑन 1 μF क्यू स्क्वायर बाय में 2C। चार्ज कितना है 1 μF वाले पे, निकाल लिया आप लोगों ने, ये रहा 4 × 4 बाय में 2 × में कैपेसिटेंस कितना है उसका 1 μF, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 μJ। समझ में आया आप कैसे सॉल्व करना है आपको सीरीज और पैरेलल, ठीक है। यस मैम, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसको करने से पहले आप ये सर्किट सॉल्व कीजिए, एक्सटेंडेड सर्किट करते हैं थोड़े से, ये आपको देखना पड़ेगा कि अब सीरीज में है कि पैरेलल में, तो आप अज्यूम कर सकते हैं भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ ए और बी के बीच में मुझे सी इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, तो लेट से मैंने ये आपके पास क्या करा, इधर इधर एक बैटरी लगा दी, अज्यूम करा कि भाई यहाँ एक बैटरी होगा जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वी है आपके पास, तो आप देखो क्या ये आपको पैरेलल में दिख रहा है सीरीज में दिख रहा है, इसके आगे तो मैं नहीं बता सकती, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो ऐसे सर्किट को आप पीछे से सॉल्व करें, जो भी यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा, ये सुनो, जो भी ड्रॉप इसके क्रॉस, मान लो एक्स है और यहाँ वाई है, तो यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ भी वाई आएगा, क्योंकि वायर के क्रॉस तो ड्रॉप होगा नहीं ना, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो आपके पास पहला तो लिख लीजिए 12 है, दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें और एक एलिमेंट लगाएं उसकी जगह पर, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैम ये दोनों पैरेलल में दोनों ऐड हो गए और एक लगा दिया उसकी जगह पर आपने, डिवाइडेड बोल रही हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 20 μF। अब ये तीनों तो आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, एक ही लाइन में है, सीरीज में है कि नहीं है। अब इनका 1/C इक्विवेलेंट निकाल दो, कितना होगा 1/12 + 1/5 + 1/20, सभी सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आएगा,
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थ्री थ्री माइक्रो फेरा, ये आपका एलसीएम आएगा 60, ऊपर बन जाएगा आपका 5 प्लस 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 20/60। तो 1/C इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ रहा बेटा, 1/3, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो फेरा। अब थोड़ा सा और मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलती हूँ आपको, इस सर्किट को सॉल्व करें, एक बार कोशिश करें, कैसे करेंगे, दो मिनट है आपके पास, पीछे से शुरू करें, पीछे से शुरू करो और सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा, आपके पास 2-3 मिनट है, आराम से सॉल्व करो, जरूरी है ये क्वेश्चंस आपके, ऐसे लैडर लैडर क्वेश्चन, लैडर सर्किट होते हैं। प्रदीप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे सर्किट सॉल्व करने आते हैं। मैम बनाएगा, निकालिए सभी, क्या नाम है आपका, दीपक, दीपक बाकी सभी भी निकालें, कितना आ रहा है आपका, सही निकला है कि नहीं दीपक का, 1/2 और आपका सीरीज का नहीं गया, सीरीज का ही गया, प्रदीप का भी 1 आ गया है, 1 ही आ रहा है, बाकी भाई क्लास में 18-20 बच्चे हैं, अजय का भी 1 आ गया है, आजाद का भी आ गया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो पकड़ लिया है। देखो जिसका भी नहीं आया है ध्यान से सुने, हम दूसरा कलर लेते हैं, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में हैं, लगातार लग रहे हैं ना आपको सीरीज, तो इनका आप करेंगे, देखिए एक आपको ट्रिक बताऊं सॉल्व करने का, आपको पता है सी इक्विवेलेंट हम निकालते हैं जब दो का, तो C1 C2 बाय में C1 प्लस C2 करते हैं, तो C1 C2 2 इंटू 2 बाय में 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 बाय में 4, एक मिनट, 2 बाय में 1 आ जाएगा मैम, 4 बाय में 4, ये आपके पास कितना आ गया, 1, ठीक है, यानी कि आपका जो सेम, जब सेम आपको कैपेसिटर दिखता है ना, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, उसका आधा कर दो, यानी कि दो है, दो दो के आपके दो एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, सीधा आधा करो और इसके साथ लगा दो, ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, ये कट गया। अब 1 और 1 आपको दिख रहा है किसमें, पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, तो ऐड हो जाएंगे दोनों का, ऐड होने के बाद कितना बन जाएगा 2, यानी यहाँ आप 2 लगा दीजिए, अब 2 और 2 आपको सीरीज में दिख रहा है, तो आधा हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, अब 1 और 1 आपको दिख रहे हैं पैरेलल में, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 2, 2 और 2 अगेन सीरीज में, इसको हटाएं, ये आपके पास 1 आ गया, 1 और 1 अगेन पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कितना आता आपके पास 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ गया, और 2 और 2 अगेन सीरीज में, सीरीज में क्या हो जाएगा आधा, आपके पास कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, अभी तो चलो एक सिंपल सर्किट है, आप आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना, वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इनफाइनाइट, तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं आया इसमें, देखो ये बेटा क्या नहीं समझ में आया आपको, ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 1-2 माइक्रोफेराड 1-2 माइक्रोफेराड से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट ले लो, ये दोनों पॉइंट है,
इस पे कुछ पोटेंशियल होगा लेट से एक्स, इस पे कुछ होगा वाई, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों पैरेलल में नहीं है, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा। चलो यहाँ कुछ वाई यहाँ वाई आ गया, लेकिन यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ कुछ और लेना पड़ेगा आपको जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको लाइन में भी दिख रहे हैं तो भी समझ में आ रहा है कि सीरीज में है। तो दो और दो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, वन बाय सी वन प्लस में वन बाय सी टू, वन बाय सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वन बाय टू प्लस में वन बाय टू, दैट इज इक्वल टू वन, यानी कि सी इक्विवेलेंट कितना हो गया वन। यानी अब इन दोनों एलिमेंट्स को हटा के आप इनकी जगह एक एलिमेंट लगा सकते हो, यहाँ पर ये वन लगा दिया मैंने। वन और वन पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड ही हो जाता है, तो इस वन को हटाएं, यहां पर आपने एक लगा दिया, दोनों का इक्विवेलेंट दो। अगेन दो और दो सेम प्रोसीजर, दो और दो आपको सीरीज में दिख रहा है, तो इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आएगा वन। इन दोनों एलिमेंट्स को हटा के आपने यहां लगा दिया एक वन, वन वन आपका सेम है, मतलब वन और वन पैरेलल में, वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा के आप लगाएंगे क्या दो। मैं यही लिख रही हूँ इसके ऊपर, दो और दो अगेन किसमें है सीरीज में, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा वन, इनको हटाएं, यहां आपने एक लगा दिया वन। वन और वन आपके पास क्या है पैरेलल में, तो दोनों का एडिशन होगा दो, तो इनको हटाएं और आपने एक लगा दिया यहाँ पर दो का। अब दो और दो अगेन सीरीज में है, सीरीज में है तो दोनों का कितना हो जाएगा वन, जो आपने यहाँ सॉल्व करके निकाला है ये वन। तो आपके पास ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही बच गया, कितना वन, ये भी हट गया, इनकी जगह क्या आ गया आपके पास एक आ गया वन। दो और दो सीरीज में कैसे हैं, एक तो समझ में आ रहा है कि एक ही लाइन में है, ऐसे अगर खोलोगे इस पॉइंट को, अगर ये आपके पास ऐसे बना रखा है ना, ठीक है, ऐसे तो बना रखा है, और बीच में यहाँ को एक एलिमेंट लग रखा है, इन दो पॉइंट्स को उठा लो, ये जो है यहाँ पर, इनको अगर आप खोलोगे तो ये ऐसे दिख नहीं रहे आपको, ये इससे ज्यादा सिंपल तो हो ही नहीं सकता, दोनों सीरीज में नहीं लग रहे आपको, एक लाइन में नहीं लग रहे, इतना इतना पहचानना तो आना पड़ेगा ना बेटा। आप देख सकते हो, अगर मैं पोटेंशियल से भी आपको समझाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पोटेंशियल से भी समझाऊं, तो मान लेते कुछ भी पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, ड्रॉप होते 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 कुछ पोटेंशियल यहाँ आ गया एक्स, यहाँ आ गया वाई, ये पॉइंट, ये प्लेट एक्स एक्स टर्मिनल पे है और ये वाई पे है, लेकिन क्या ये दोनों जो है, ये आपके पास कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मान लो जेड, यहाँ पर जेड आएगा, यहाँ जेड आएगा, अब इन दोनों के अक्रॉस ड्रॉप देख लो आप, जेड माइनस एक्स और यहाँ जेड माइनस वाई, क्या सेम है, ड्रॉप सेम है ही नहीं, ड्रॉप सेम नहीं है, यानी पोटेंशियल अगर सेम नहीं है, इसका मतलब किसमें होता है, सीरीज में होता है, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, ठीक है। और बाकी आपको सिंपल तरीका, अभी तो इतना बेसिक सर्किट आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं और दोनों अलग अलग ब्रांचेस में दिखते हैं, तो आपको पैरेलल दिखाई देते हैं, क्लियर है आदर्श। चलो एक हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर टू 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। क्या पूछा है कि इसके ऊपर जितना चार्ज बनता है डिवाइडेड बाय में जो इसके ऊपर चार्ज बनता है, यानी कि पहले आपको 5 पे निकालना है चार्ज ऑन 5th कैपेसिटर, तो ये 5 वाला जो कैपेसिटेंस है इसके ऊपर जो है, डिवाइडेड बाय में जो 4 वाला कैपेसिटेंस है इसके ऊपर जो है, तो इसमें एक चीज तो बहुत सिंपल निकल रही है, 4 के अक्रॉस बता दो कितना होगा। ये टर्मिनल किस पे है, प्लस 6 पे, ये टर्मिनल 0 पे, तो ये भी आपके पास किस पे आ जाएगा 0 पे, ये आपके पास यहाँ पर लगा दो 0, ये 6 पे है तो ये 6 पे हो गया, ये भी 6 पे हो गया, लेकिन अब बीच में यहाँ पर अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग हो गया, ठीक है। इस पूरे के अक्रॉस 6 है लेकिन इनके अक्रॉस अलग अलग आएगा, तो सबसे पहले जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर चार्ज तो निकाल सकते हो, क्यू ऑन 4th कितना होगा C इंटू में, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है कितना है 4, और इसके अक्रॉस कितना है 6, कितना हो गया 24 माइक्रो कूल, तो एक तो निकल गया, ये कहानी तो मेरी हो गई सॉल्व। अगला थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अब देखो अगला मैं बनाती हूँ,
चलो आप निकाल के कोशिश करो एक बार। यहां पर आपको पता है इसके अक्रॉस, पूरे के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप 6 है, ठीक है। इनके अक्रॉस अलग अलग आएगा, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। अब मुझे 5 के अक्रॉस चार्ज चाहिए ना, इसके अक्रॉस आपको चार्ज चाहिए। ऑप्शन है कितना? ऑप्शन है डी, नहीं। इसके अक्रॉस आपको चार्ज चाहिए, तो अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाए तो मेरी बात बन जाए। यहाँ पर डेल्टा वी जो ड्रॉप मिल जाए और इसका कैपेसिटेंस आपको पता है, तो आप सीधा निकाल सकते हो ना क्यू फाइव क्या है, 5 इंटू डेल्टा वी। सवाल सिर्फ इतना है डेल्टा वी क्या होगा। अब आपको पता है कि डेल्टा वी इसके अक्रॉस है, डेल्टा वी ही इसके अक्रॉस होगा, तो बेसिकली आपको इसके और इसके बीच में कोई भी बाहर वाला इनसे पॉइंट करें क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो इस सर्किट के अक्रॉस 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। पहले तो इसको रिड्यूस कर लो, 2 और 5 को छोटा बना लो, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताओ कितना होगा। ये 3 है, क्या 7 हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है ना, होगा कि नहीं होगा। ये 3 है, ये 7 है, इसके अक्रॉस आपको पूरे के अक्रॉस ड्रॉप पता है 6 है। क्या मैं पूरे के अक्रॉस चार्ज निकाल सकती हूँ? चार्ज पूरे के अक्रॉस कितना होगा, सीरीज में है ना दोनों, सेम ही होगा, तो आपको चार्ज निकालने के लिए इसका सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको आगे लिख रही हूँ, मैंने इसको थोड़ा रिड्यूस कर लिया, पहले वाले को तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, दूसरे वाले को मैंने 7 बना दिया, ठीक है। इट्स ओके बेटा, यू कैन गो। यहाँ पर आपके पास टोटल के अक्रॉस 6 है, जितना ये पूरा 6 है उतना ही इस पूरे के अक्रॉस 6 है, ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस आपका चार्ज निकल जाएगा अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 7 इनटू में 3 बाय में 7 प्लस में 3, दैट विल बी योर सी इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 2.1, 7 इनटू 3 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 10, 2.1 माइक्रो फेराड। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.1, और इसके अक्रॉस ड्रॉप आपको पता है 6, ये डेल्टा वी है, तो क्या इसके क्रॉस चार्ज नहीं आ जाएगा? क्यों कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2.1 इनटू में 6 कर दूं, कितना हो जाएगा ये 6 × 6 = 12.6 माइक्रो कूलम। अब पूरे के क्रॉस चार्ज आ गया। अब एक कहानी, इसके अक्रॉस, अब ये दोनों, ये वाला जो सर्किट एलिमेंट है और अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये दोनों तो सीरीज में है ना, इसके अक्रॉस जो चार्ज है वही तो इसके अक्रॉस चार्ज होगा। यानी अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, ये आपने निकाल लिया 5, ये आपने निकाल लिया 2, इसके अक्रॉस अब मेरे को चार्ज पता है और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी मुझे पता है, तो क्या मैं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकती? इसका आप लिख लीजिए 2, 5, इसका आपका सी इक्विवेलेंट कितना है 7, इसके अक्रॉस चार्ज पता है अब आपको कितना है 12.6 माइक्रो कूलम, तो डेल्टा वी नहीं निकल जाएगा क्या, 12.6 बाय में 7, यस और नो वोल्ट। अब ये जो डेल्टा वी आ गया, ये डेल्टा वी आपका इस पूरे सर्किट के क्रॉस ड्रॉप है, तो ये दोनों है पैरेलल में, तो उतना ही यहाँ पर होगा और उतना ही यहाँ पर होगा। अब 5 के अक्रॉस यानी कैपेसिटेंस आपको 5 गिवन है, ठीक है, उसके अक्रॉस डेल्टा वी भी आपको पता लग गया 12.6 बाय में 7, क्या उसके अक्रॉस चार्ज नहीं निकल जाएगा? सी कितना है 5, 5 बाय में 12.6 और ऊपर चला गया 7, क्या उल्टा लिख दिया गया? हाँ, आंसर निकालो कितना है, क्यों कितना हो जाएगा सी इंटू ई, तो सी आपके पास 5 है इंटू में 12.6 बाय 7, बताओ कितना है, 9 माइक्रो कूलम आ गया। यानी 5 माइक्रो फेराड के कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज निकाल दिया आपने, और 4 के अक्रॉस तो आपने निकाल ही रखा था, कितना था 4 के अक्रॉस, कितना था 24, और अभी आपने एक निकाला है 9, कितना हो गया 3×3=9, 8×24=24, 3/8 इज द रेशियो।
आई बात समझ में? अब मैं दोबारा, जिसको भी समझ में नहीं आया ध्यान से सुनो। देखिए एक सर्किट आपको गिवन है, ये इन्होंने पूछा है कि इसके अक्रॉस चार्ज, मतलब पहले रेशियो की अगर बात करें तो इसके अक्रॉस जो चार्ज है डिवाइडेड बाय में इसके अक्रॉस जो चार्ज है, तो इसके अक्रॉस चार्ज निकालना मेरे लिए बहुत इजी काम था, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटरी लगा है इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। चार्ज निकाल दिया, क्या पोटेंशियल ड्रॉप इनटू में सी निकल गया, एक तो सॉल्व होगी समस्या। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए मुझे या तो इसके अक्रॉस पता होता क्योंकि दोनों पैरेलल में है, सेम है, या अगर बाहर थोड़ा सा मैं बात करूं कि यहां और यहां के बीच में पता लग जाए कितना है तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा। पूरे के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता है, यहाँ छह है यहाँ जीरो, पूरे के अक्रॉस छह है, तो पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, फिर पूरे में कितना चार्ज जाएगा वो निकाल लिया। अब ये और ये पूरा इकट्ठा माने तो ये दोनों सीरीज में है, तो जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ जाएगा। वो चार्ज आपके पास जो चार्ज आपके पास आ गया वो पूरे के अक्रॉस आ गया, पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता है आपको, ठीक है। आपको निकालना है क्या, चार्ज इसके अक्रॉस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब जो चार्ज इसमें था वही इसमें है, तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, उसमें वही चार्ज जाएगा जो इसमें जा रहा है आपके पास, तो वो चार्ज से आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। जब आपने इसको रिड्यूस किया, इसके अक्रॉस चार्ज आपको पता था, इसका टोटल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, तो आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। वो अगर मैं आपसे ये सवाल करती ना, मुझे 2 माइक्रोफेराड पे बताओ कितना होगा, तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप जो मिला है वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है, ठीक है। उसको मैंने डेल्टा वी को और सी को यूज करा और इसके क्रॉस चार्ज निकाल लिया, दोनों का रेशो ले लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार देख लो इसको, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ सकते हो आप मेरे को। सभी बच्चे इसको चेक कर लें। खुद निकाल के देख लो चाहे।